Now we are going to talk about the central government. ये देखें, अब हम केंद्र सरकार के बारे में कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट के बारे में देखा कि जो केंद्र सरकार है उसमें जो है मेन जो पार्ट है, मुख्य जो भाग है वो लोकसभा और राज्यसभा का वो भाग है। द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो लोकसभा और राज्यसभा है वो है दो सदन है जो कि मिलकर क्या करते हैं, एक केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि जो लोकसभा है वो टेम्प्रेरी हाउस है, जबकि जो राज्यसभा है वो है कि जो है अस्थाई या परमानेंट हाउस है, परमानेंट यानी सर स्थाई सदन है। इसके अलावा हमने राज्यसभा के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो राज्यसभा है उसके पास में लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां होती है। देखें कि जो लोकसभा है उसके पास में शक्तियां अधिक होती है, जबकि जो राज्यसभा है उसके पास में शक्तियां कम होती है। ठीक है, शक्तियां तो कम होती हैं, पावर्स तो जो है पावर्स जो है वो तो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आखिर सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो ये आता है कि आखिर ये पावर्स हैं क्या, ये व्हाट इज द पावर्स ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कि एक संसद जो है जिसका निर्माण हमने किया है वो उसमें के पास में कौन कौन सी जो है शक्तियां होती हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वो करती है या जो उसके अंडर में आते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ये सभी जो है हम कहाँ देखेंगे, ये सभी हम संसद की शक्तियों में देखेंगे कि आखिर जो संसद है उन्हें कौन कौन से कार्य करने होते हैं या कौन कौन सी शक्तियां उनके पास में होती है। आप देखें कि जो पावर्स हैं पार्लियामेंट की, पावर्स हैं मेनली जो है फॉर्मेशन ऑफ लॉ है, के कानून का निर्माण करना और उसे लागू करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून का निर्माण करना और उसे लागू करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, मेन वर्क होता है। इसके अलावा भी ये जो है अपने तरीके से कई कार्य करती रहती है, कई काम करती रहती है। इसके लिए फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ये संसद के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, लोगों के हितों के लिए, लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। तो देखते हैं हम कि जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड एम्पल पावर्स टू द पार्लियामेंट एंड द मेजर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी स्टेटेड गिवन बिलो। एम्पल पावर्स, एम्पल पावर का मतलब होता है बहुत अधिक शक्तियाँ, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के द्वारा किसको दी गई है, संसद को दी गई है। कि जितने भी जो भी कार्य हैं वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा किए जाते हैं। अब ये एक अलग चीज आ जाती है, एक मैटर अलग हो जाता है कि जो पावर का डिवाइडेशन है वो किस अकॉर्डिंग है। आज जैसे हम पावर डिवाइडेशन की बात करते हैं तो जो राज्यसभा है उसके पास में कुछ अलग पावर्स होती हैं और जो लोकसभा है उसके पास में कुछ अलग पावर्स होती हैं। राज्यसभा के पास में कई ऐसी पावर्स होती हैं कि जिन पर लोकसभा भी कुछ नहीं कर सकती, जबकि अधिकतर जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ जो पावर्स हैं वो किसके पास में होती हैं, लोकसभा, लोकसभा के पास में होती है। पावर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कही जाती है जुडिशियल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, है मतलब कि न्यायिक शक्तियां, संसद की न्यायिक शक्तियां। अब ये न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है हम देखते हैं कि जो जजमेंट करने की जो पावर है, जजमेंट करने की जो पावर है वो तो हमने एक अलग ही पार्ट को दी हुई है जिसको हम जुडिशरी का नाम से जानते हैं। न्यायिक शक्तियाँ जो है हमने अलग ही एक अंग को दी हुई है जिसे हम न्यायपालिका के नाम से पुकारते हैं। तो ये जुडिशियल पावर्स कौन सी आ गई, ये जुडिशियल पावर्स कौन सी हैं, ये न्यायिक शक्तियाँ और कौन सी हैं। देन
it is the formation of law. यह शक्ति जो है न्यायिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं, न्याय संबंधी जब हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात निकल कर आती है कि कानून निर्माण की शक्ति है जो किसके पास में है, जो कि पार्लियामेंट के पास में है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास में है। तो पहली पावर पावर जो इसकी आ रही है वो क्या आ रही है, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ है। यह कानून निर्माण का कार्य करती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट है कि यह जो है संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। कौन सा अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वो है कानून का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। अब ये जो कानून का निर्माण है ये कौन से विषयों पर आता है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर जो संसद है वो कानून बनाएगी, पर जो लॉज है उनको फॉर्म करेगी, निर्मित करेगी। तो ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट एंड कंसर्न लिस्ट है कि ये उन विषयों पर कानून बनाएगी जो संघीय विषय हैं। जब हम इन सूचियों की बात करते हैं तो मेनली जो है इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है, थ्री पार्ट, इसमें तीन भागों में जो है विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। दो तो हमको यहां पर दी जा रही है, यूनियन लिस्ट यानी कि संघीय सूचि और कंसर्न लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, और एक और जो आती है वो आती है स्टेट यानी कि राज्य सूची है। कि देखें कि इसको जो है हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ होने वाले जितने भी कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इन बहुत ज़्यादा कार्यों को करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या मैनेजमेंट किया गया है कि यहाँ जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी जो कार्य हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये जो कार्य हैं, इन्हें क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं, कुछ जो कार्य हैं वो किसको दे दिए गए हैं, वो मेनली दे दिए गए हैं हमारे सेंट्रल को, केंद्र को है, और उसको क्या नाम दे दिया गया है, इसलिए इन कार्यों की, इन वर्क की जो लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट का नाम दे दिया गया है। कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्टेट को दिए गए हैं, राज्यों को दिए गए हैं, और इनको जो है राज्य सूची में वर्णित किया गया है, जबकि कुछ जो कार्य हैं वो कहाँ पर वर्णित किए गए हैं, इन कार्यों का वर्णन जो है वो किया गया है कंसर्न लिस्ट में है यानी कि संवर्ती सूची में। अब इन तीनों सूचियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो ये यूनियन लिस्ट है, संघीय जो विषय है, संघीय जो सूची है, उस पर जो भी अमेंडमेंट होते हैं, जो भी लॉ वगैरह का निर्माण होता है, जो भी कानून वगैरह का निर्माण होता है, इसकी पावर जो है वो केवल सेंट्रल के पास में होती है, केंद्र के पास में होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है यानी संसद के पास में होती है, जबकि स्टेट लिस्ट में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में आने वाले, राज्य सूची में आने वाले जितने भी विषय हैं, उन पर जो कानून बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये काम किया जाता है राज्यों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा यह कार्य किया जाता है। लेकिन जब हम कंसर्न लिस्ट की बात करते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन
पर सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट जो लेजिस्लेचर है वह दोनों के दोनों ही कानून बना सकती है। मतलब कि कुछ विषयों को ऐसे रखा गया है कि जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। आज जैसे कि एजुकेशन को लेकर है और कई ऐसी चीजें आ जाती हैं, कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बना सकती है। बट अगर इनमें डिस्प्यूट होता है, इनमें अगर डिस्प्यूट होता है, अगर इनमें विवाद होता है, तो जो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून है वह ही लागू किए जाते हैं। अगर मान लो कि विवाद वाली स्थिति आती है, डिस्प्यूट वाली अगर चीज आती है, तो जो कानून बनाने का जो पावर है वो किसका होता है, वो पार्लियामेंट का होता है। इसके कंसर्न लिस्ट में नेक्स्ट इसकी जो आती है पावर वो आती है मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है यानी कि संविधान में संशोधन की शक्ति, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की शक्ति। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो संविधान में संशोधन की पावर है, संविधान में जो अमेंडमेंट है, संविधान में जो संशोधन है, वो कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देने एक चीज आती है निकलकर कि एनी रेजोल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन पार्लियामेंट। यहाँ पर एक चीज आ रही है कि कोई भी जो प्रस्ताव होता है, एनी रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी जो प्रस्ताव है जो किससे संबंधित है, अमेंडमेंट से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है, वो सबसे पहले कहां प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया जाता है। चाहे वो कैसा भी प्रस्ताव हो, चाहे वो संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ कैसा भी प्रस्ताव हो, उसे सबसे पहले कहां लाया जाता है, उसे सबसे पहले संसद के सामने रखा जाता है, उसे सबसे पहले संसद में रखा जाता है। और मेनली अगर हम बात करते हैं ये जो प्रस्ताव है सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा के सामने इसको रखा जाता है, कि जो रिप्रेजेंट करता है इसको, लोकसभा जो रिप्रेजेंट करता है जनता को, जनता को जो रिप्रेजेंट करता है उसके सामने सबसे पहले इसे रखा जाता है। और उसके बाद जो है यह प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है, तो ये कैसे पारित होता है, तो यहाँ पर दो प्रोसेस हमको बताई जा रही है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो कैसे फंक्शन करती है, अमेंडमेंट यानी संशोधन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दो तरीके की व्यवस्थाएँ की है, दो तरीके का यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है, सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत और दो तिहाई बहुमत ऑफ द हाउसेज, ऑफ द हाउसेज के मतलब क्या आ रहा है यहां पर निकलकर कि जो संशोधन प्रस्ताव है या तो वह साधारण बहुमत के द्वारा के कई जो संशोधन है संविधान में या जो कानून हमारी संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता होती है उनमें कई जो संशोधन है वो तो साधारण बहुमत से कर दिए जाते हैं कि जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा अगर बहुमत पेश कर दिया गया तो उसको मान लिया जाता है। और एक नंबर आ रही है दो तिहाई बहुमत की बात निकल कर आ रही है, टू थर्ड मेजोरिटी की जब बात करते हैं तो ये जो टू थर्ड मेजोरिटी है दो तिहाई बहुमत है, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी दोनों सदनों में मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों सदनों में जो
दो तिहाई सदस्य के द्वारा जो बहुमत प्रस्तुत किया सदस्यों के द्वारा जो बात रखी जाती है, दो तिहाई सदस्यों के द्वारा जो बहुमत रखा जाता है उसके अनुसार ही फिर क्या होता है कि यहाँ पर संशोधन हुआ है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है है, संविधान में से संबंधित जो भी प्रस्ताव है वह केवल कहाँ प्रस्तुत हो सकता है, वह केवल राज्य विधानसभा में के अलावा संसद में प्रस्तुत हो सकता है, राज्य विधानसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात हो रही है पार्लियामेंट के कंट्रोल में होती है, जो बजट है उसको जो
अनाउंस करने का जो वर्क है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। आज स्टेट कौन से स्टेट को कितना जो बजट है वो पारित करना है ये किसके कंट्रोल में होता है, ये पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है, यानी कि संसद के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यानी कि प्रशासनिक शक्तियां। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव है मींस कार्यपालिका और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कैबिनेट है यानी कि मंत्रिपरिषद, वो किसके प्रति किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड पार्लियामेंट, यह संसद के प्रति जो है क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखें कि जो इलेक्ट होके जाते हैं चुनकर जाने वाले जो सदस्य हैं वह उनका कहाँ गए, पार्लियामेंट में गए, संसद में गए, और यह संसद में तभी तक बने रहते हैं जब तक कि इनका कॉन्फिडेंस होता है, जब तक कि इनका बहुमत होता है, जब तक कि इनका संसद में विश्वास होता है। अगर विश्वास हो जाए कॉन्फिडेंस आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्हें क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है के अनुसार के जितनी भी जो शक्तियां हैं इसे इलेक्शन से संबंधित निर्वाचन से संबंधित वो किसके पास में है, वह संसद के पास में है, है पार्लियामेंट के पास में है। अब चाहे वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाली कमेटी हो या अन्य किसी प्रकार के निर्वाचन हो, वह किसके द्वारा किए जाते हैं, ये सभी जो निर्वाचन के कार्य है ये संसद के द्वारा किए जाते हैं। मिलेनियस पावर ऑफ यानी कि अन्य प्रकार की शक्तियां अपार्ट फ्रॉम द अबाउ मेंशन पावर द पार्लियामेंट आल्सो हैव सम अदर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल प्रोसेस यानी कि विशेष प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट संसद के दोनों जो सदन है कैन रिमूव द है। थैंक यू।